Peter England, Alan Soley, and Van Nuysen. You know what's common in all these brands? All of them are Indian. अब जितना झटका तुम्हें लगा ना उतना मुझे भी लगा था जान कि भाई ये इंडियन है तो why are these names so foreign sounding? क्योंकि इंडियन माइंडसेट यही है. Believe me or not, जब भी किसी चीज में किसी नाम में कुछ इंग्लिश चीज घुस जाती है ना तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली सोचता है कि कुछ तो प्रीमियम है. हम 1947 में आजाद हुए लेकिन टिल डेट वी पोजीशन समथिंग इंग्लिश समथिंग ब्रिटिश एज समथिंग प्रीमियम. और जब इससे सोसाइटी स्टेटस की गेम जुड़ जाती है देन इट बिकम्स अ मैटर ऑफ फ्लेक्स. क्योंकि हम सोचते हैं जो चीज इतने इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल लेवल पे किल कर रही है हमारी देसी चीज कहां उससे कम्पीट करेगी. उसकी क्वालिटी उसकी प्रीमियमनेस वो तो नेक्स्ट लेवल ही होगी ना, ये हम ऑब्वियसली सोचते हैं. अगर तुम्हें थोड़ा और झटका दूं तो जैगुआर वो गाड़ी वो भी इंडियन वो टाटा ग्रुप ओन करता है. एंड जो नाम मैंने पहले लिए पीटर इंग्लैंड एलन सोली एंड वैन न्यूसेन ये आदित्य बिरला ग्रुप ओन करता है. ये सारे ब्रांड्स इंडियन है. जैगुआर इज अ डिफरेंट केस ऑफ एक्विजिशन, उस पे कभी और बातचीत करेंगे लेकिन आज हम शुरू करने वाले अपना चैप्टर मार्केट. देखो तुम अगर एक कस्टमर हो तुम्हारे सामने एक तरफ रीबॉक का जूता है एक तरफ बाटा का जूता है 95% ऑफ यू वुड प्रेफर दिस रीबॉक का जूता. एंड इसमें कुछ गलत नहीं है, दिस इज अ टोटली सब्जेक्टिव ओपिनियन लेकिन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की ऑफरिंग है जो कि बाटा देता है. बट हमारे मन में रीबॉक जितना प्रीमियम है बाटा उतना प्रीमियम नहीं है. That's all the game of marketing. मैं genuinely बताऊं तो BCom honors के semester 5 में एक subject है principles of marketing. ये पूरी book की पूरा subject is centered around only one thing. Marketing is identifying the needs of customer and making your product to serve them best. That is it. हमारा जो purpose है that is to identify customer चाहता क्या है, customer सोचता कैसे, customer खर्चना कैसे चाहता है और फिर उससे वो खर्चा करवा देना is marketing. Marketing is not just advertising. इस पे चर्चा करते हैं. Welcome to the new episode, new chapter, chapter number 11th principles of marketing, a food booster series. अब से नहीं चलेगा कोई भी बहाना, चला दो गाना और कॉपी पेन लेके बैठ जाना, ठीक है? And you captain के साथ अपने सपने साकार करें, boards हो या SUVT हम आपके साथ चलें, step by step हम आपको करें guide. की गिनती में आप अपने नाम रहिए, मजा भी पढ़ाई भी, ये बोल्ड बूस्टर कोई वजह नहीं भाई से ना नो तू कर, तुम भी टॉपर टॉप कर विद रेडियो कैप्टन है, ये मजा भी पढ़ाई भी, ये बोल्ड बूस्टर तुम भी टॉपर टॉप कर विद रेडियो कैप्टन तुम भी. देखो सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अ पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस. हम में जितनों ने भी मार्केटिंग नाम सुना है ना तो हमारे मन में पहली इमेज बनती है एडवर्टाइजिंग. अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना मतलब उसकी एड करना, लोगों तक पहुंचाना. Advertising is a very major part of marketing, but advertising is not the only thing marketing comprises of. इस चीज को समझते रहो कि marketing बहुत wide है, बहुत wide. एक product बन रहा है तो बनने से भी पहले जो decision है ना कि बनेगा क्या, बनेगा कैसे, काम कैसे होगा, फिर वो बनेगा, फिर उसको लोगों तक पहुंचाया जाएगा, फिर उसको बेचा जाएगा, फिर finance किया जाएगा, फिर after sale services दी जाएंगी. Everything, literally everything is marketing. अगर सरल शब्दों में बताऊं तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इज मार्केटिंग. इकोनॉमिक्स क्या है हमारी, इकोनॉमिक्स है कि गुड्स और सर्विसेज एक जगह दूसरी जगह फ्लो करती है. That flow is supposed to be called marketing. हाँ जी, अगर मैं marketing की definition पे आऊँ तो तुम्हें बहुत सारे definition मिल जाएंगे. Believe me, पूरी book अलग अलग definition से भर रखी है. लेकिन एक major definition जो सारे keywords cover करती है वो ये definition है. फिर एक surprise दूंगा छोटा सा. चलो सुनो. Marketing is a process by which people exchange goods and services of value to them, fulfilling their needs and wants through market offerings of several kinds. इस पूरी डेफिनेशन में ना चार मेजर कीवर्ड्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखने हैं. उन चार मेजर कीवर्ड्स को लगा के और बेसिक सी इंग्लिश को लगा के और स्टार्ट कर दो मार्केटिंग इज अ प्रोसेस से तुम्हारी डेफिनेशन सही. सबसे पहला कीवर्ड है एक्सचेंज, दूसरा कीवर्ड है वैल्यू, तीसरा कीवर्ड है नीड्स एंड वॉन्ट्स एंड चौथा कीवर्ड है मार्केट ऑफरिंग. सबसे पहली चीज क्या थी, एक्सचेंज. मार्केटिंग में एक्सचेंज का होना बहुत जरूरी है. गुड्स एंड सर्विसेज हो, पैसे हो, कुछ भी हो, एक एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है. क्योंकि जब तक मार्केटिंग में एक्सचेंज नहीं होता वो मार्केट ही नहीं है. मार्केट क्या होती है, जहां पे कुछ एक्सचेंज हो रहा है, मार्केट प्लेस ही वही होती है. दूसरी चीज है वैल्यू टू देम. कुछ भी तुम ऐसा एक्सचेंज नहीं करोगे जो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल नहीं है. तुम किस चीज के बदले में पैसे दे, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू फील दैट थिंग इज वैल्यूएबल फॉर यू. कुछ भी चीज हो जो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है वो चीज एक्सचेंज करना मार्केटिंग है. अब वो वैल्यूएबल है वो नहीं है, या तुम्हें बेवकूफ बनाया गया कि तुम्हारे लिए वो वैल्यूएबल है, या तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम्हारे लिए वो वैल्यूएबल है बट वैल्यूएबल है, वो सारी चीजें मार्केटिंग का ही पार्ट है. चाहे वो कंपनी ने बेवकूफ बनाया, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स ने बेवकूफ बनाया कि इस चीज की जरूरत है या इस चीज की जरूरत नहीं है, आइदर वेज ठीक है, वो चीज मार्केटिंग का ही पार्ट है. एक्सचेंज मैकेनिज्म हो, वैल्यू हो. तीसरी चीज है नीड्स एंड वॉन्ट्स.
जो भी चीज है तुम्हारे लिए वैल्यूएबल, आइदर तो वो तुम्हारी नीड सेटिस्फाई कर रही है और वो तुम्हारी वॉन्ट सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। नीड्स एंड वॉन्ट्स, नीड्स एंड वॉन्ट्स का बेसिक सा मतलब है कि या तो वो तुम्हारी जरूरत है या वो तुम्हारी चाहत है, दोनों में से एक चीज वो तुम्हें वैल्यू दे रही थी, वो एक्सचेंज हुई है, वो तुम्हारी नीड्स एंड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर रही है, एंड एट द एंड वो मार्केट ऑफरिंग से आई है। तुम्हें मार्केट में किसी ने ऑफर किया कि तुम ये गुड इस एक्स रुपीज के बदले में ले जाओ, तुमने ले लिया, ऑफर हुआ ना। अब वो ऑफर सेवरल काइंड हो सकता है, वो ऑनलाइन हो सकता है, वो ऑफलाइन हो सकता है, वो डिस्काउंटेड हो सकता है, वो ईएमआई पे हो सकता है, वो कैसे भी हो सकता है, तरीके बहुत हो सकते हैं, बट एट द एंड देयर वाज अ थिंग कॉल्ड ऑफर, कि सामने वाला बंदा आके उस मार्केट में तुम्हें बोल रहा है कि भाई ये चीज ले ले और इतनी चीज, ये चीज मुझे दे दे। अब जरूरी नहीं है वो पैसे हो, यहाँ पे मैं कैश मनी नहीं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे बस मैं एक्सचेंज वर्ड यूज कर रहा हूँ, कुछ भी कंसिडरेशन हो सकती है वो, जिस भी तरीके से वो मार्केटिंग का पार्ट है, ठीक है। अब ये पूरी डेफिनेशन हमने पढ़ी, इसके अंदर चार चीजें थी, एक्सचेंज हो, वैल्यू हो, नीड्स एंड वांट्स हो, एंड एट द एंड ऑफरिंग हो, यही चार होते हैं फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग अगर कभी गलती से क्वेश्चन फंस जाए, जिसके चांसेस बहुत कम है, बट अगर कभी फंस जाए तो चार ही फीचर्स है, एक्सचेंज मैकेनिज्म, नीड्स एंड वांट्स, कस्टमर वैल्यू, एंड एट द लास्ट वी हैव मार्केट ऑफरिंग। इतनी सिंपल सी बात थी। Now, let's move back to our green screens and देखते हैं आगे कहानी। अब बढ़ते हैं मार्केटिंग फिलोसफीज पे। देखो मार्केटिंग फिलोसफी, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग ये जो चीज है ना, जो हम पढ़ने वाले हैं पांच फिलोसफी, इन पे केस स्टडी बहुत अच्छी अच्छी बनती है, एंड इनके अंदर हमें मेजर जो चीज समझनी है दैट इज द माइंडसेट ऑफ द प्रोडक्शन कंपनी। जो भी कंपनी की हम बात करें, लाइक फॉर नाउ विल टेक एग्जाम्पल ऑफ अ प्रीमियम ब्रांड, लेट्स से पीटर इंग्लैंड, हमने स्टार्ट किया था उसे, तो पीटर इंग्लैंड पे बात रखते हैं। एक प्रीमियम ब्रांड, एक लग्जरी फैशन ब्रांड जब चीजें बनाता है तो उसके मन में क्या चलता है, व्हाट इज द बेसलाइन दैट इट अज्यूम्स फॉर कंटिन्यूइंग इट्स प्रोडक्शन एंड सेल्स, सब कुछ। वो जो अपनी मार्केटिंग है वो किस सेंट्रल कॉन्सेप्ट के अराउंड रैप करना चाहता है, कि यार मेरी जो विजन है ना वो ये होनी चाहिए। ये पांच कॉन्सेप्ट उनको समराइज करते हैं। नंबर वन इज द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब है मैं माल बनाऊंगा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि मेरी पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम आ जाएगी, ताकि मैं मार्केट में उसको सस्ते में बेच पाऊं। That is it. देखो एट द एंड ना हमारा काम है प्रॉफिट कमाना, बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए प्रॉफिट कमाते हैं। आइदर तो तुम एक प्रोडक्ट बहुत महंगा बेच लो और नंबर ऑफ यूनिट बहुत कम बेच के पैसे कमा लो, या फिर तुम प्रोडक्ट्स बहुत सारे बेचो और पर यूनिट बहुत कम पैसे कमा के अपना ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज कर लो। हर कंपनी की, हर प्रोडक्ट की अलग फिलॉसफी होती है। अभी हम जो पांच फिलॉसफीज पढ़ने वाले हैं, दे विल बी विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर कंपनी पीटर इंग्लैंड, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऑब्वियसली, बट इन जनरल केस इसको तुम अप्लाई करके देखना, तुम्हारे हर बिजनेस पे अप्लाई होगा, हर बिजनेस पे। अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की, दैट बेसिकली मींस कि मैं बहुत बल्क में प्रोडक्शन कर रहा हूं, एज सिंपल एज दैट। पीटर इंग्लैंड इज अ प्रीमियम ब्रांड, ठीक है। पीटर इंग्लैंड ऐसा नहीं करेगा कि मैं बहुत सारे पीस बना दूंगा और फिर बहुत सस्ते बेच दूंगा, तो पीटर इंग्लैंड तो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करें एक जेनेरिक एग्जांपल की, दैट इज चाइना। चाइना में जो चीजें होती हैं वो मेड इन चाइना लेवल पर इतनी सस्ती की होती है, क्योंकि चाइना में जो इंडस्ट्रीज है, जो फैक्ट्रीज है, दे प्रोड्यूस थिंग्स इन बल्क। वहां पे पूरी इकोनॉमी इस चलती है कि हमारे पास जो भी होगा हम इतना बल्क में बना देंगे, इतनी एक्सेसिव चीजें कर देंगे कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम आ जाएगी, एंड जब हम उसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो हम अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर एक एडेड एडवांटेज लेके खड़े हैं, क्योंकि हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम है, हम कस्टमर को पर यूनिट कम चार्ज करके ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा यूनिट्स बेच सकते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है यार अपनी चीज को ना प्रीमियम रखो, क्वालिटी पे फोकस रखो। प्रोडक्शन कहता है प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, बल्क प्रोडक्शन। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है प्रोडक्शन पे बाद में आएंगे, पहले जो अपना प्रोडक्ट है, जो अपना मेन पीस ऑफ, मेन जो प्रोडक्ट है जिसको हम बेचने जा रहे हैं ना, उस पर फोकस करो। उसको जितना प्रीमियम दिखा सकते हो दिखाओ, उसकी जितनी क्वालिटी भर सकते हो भरो। व्हेन आई से प्रीमियम, आई डोंट मीन वो टॉप सेगमेंट लग्जरी चीजें। देखो एक तरफ अगर हम पीटर इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी बनाते हैं, वो अपने प्रोडक्ट पे एफर्ट डालते हैं, कि ऐसा नहीं हम बहुत सारे बनाने हैं, खराब हो गया तो हो गया, वो एफर्ट बनाते हैं कि एक चीज जो हम बना रहे हैं वो अच्छी हो। बट एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसा ब्रांड है जो सस्ती चीजें बेच रहा है बट अच्छी चीजें बेच रहा है, दैट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूं फोन्स की, तो एक तरफ एमआई फोन्स बना रहा है, वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे बना रहा है कि बहुत सारे बना दो बहुत सस्ते हो जाएंगे। बट एट द सेम टाइम अगर एक तरफ एप्पल या वन प्लस बना रहा है, वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बना रहा है कि हम अपने एक एक प्रोडक्ट पे बहुत अच्छे से टाइम देंगे, उसमें क्वालिटी फीड करेंगे और उसको प्रीमियम रखेंगे, उसको बहुत अच्छा रखेंगे। उसमें हमारा मेन फोकस हुआ कि हमारे प्रोडक्ट से जो वैल्यू डिलीवर हो रही है वो बहुत बेस्ट हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में ये नहीं होता, वहां होता है बस बना दो, जो होगा देखी जाए। बात की सेलिंग कॉन्सेप्ट, फोकस ऑन सेलिंग, 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 एग्रेसिव सेलिंग। ये जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं उनको बहुत ध्यान से सुनना, मास प्रोडक्शन, बल्क प्रोडक्शन, क्वालिटी प्रोडक्शन, प्रीमियम प्रोडक्शन एंड एग्रेसिव सेलिंग, ये केस स्टडीज में बहुत हेल्प करने वाले हैं।
When I say aggressive selling, that means एक कंपनी अगर अपने सेल्समैन को बोल देते कि तुम्हें बेचना ही बेचना है, कुछ मर्जी करो तुम्हें बेचना ही बेचना है, that is aggressive selling, जहां सेल्समैन आपके पैरों में गिर जाएगा, आपको धक्के से कन्विंस कर देगा, irrespective of the situation कि तुम्हें प्रोडक्ट चाहिए भी या नहीं, तुम्हारे मतलब का है भी या नहीं, तुम्हें वैल्यू डिलीवर कर भी रहा है या नहीं, वो बस बेचने पे लग जाएगा, that is when selling concept is into force. देखो एक होता है सेल्समैन जो आपको एडवाइस देता है कि सर आपके लिए ये नहीं ये बेटर, ठीक है, एक होता है जो कहता है सर आप ये नहीं कहीं और से ट्राई करो, कुछ और ट्राई करो, ये प्रोडक्ट आपके मतलब का नहीं है. लेकिन एक होता है जो बस बेचता है, वो वाली चीज बेचेगा जहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, जो सबसे ज्यादा महंगी होगी, उसको नहीं मतलब कस्टमर की कितनी वैल्यू है, उसको नहीं मतलब कस्टमर का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो नहीं खरीदना चाहता, उसके पास पैसे नहीं है, उसका बजट नहीं है, डजंट मैटर, उसको बस मतलब है मेरा सामान बिक जाए. लेकिन ऐसी कंपनीज का ये जो हर कॉन्सेप्ट के अपने प्रोस कॉन्स हैं उस पे आएंगे, लेकिन ये जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे आप कस्टमर की वैल्यू नहीं कर रहे, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आप उसको केटर नहीं कर रहे. फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस वाले जो होते हैं वो बस बेचना चाहते हैं, वो सारी चीज डिस्क्लोज नहीं करते. अगर आप स्मार्ट एनफ नहीं हो कि आप पूछो तो वो अपनी तरफ से सारी चीज डिस्क्लोज नहीं करते, वो बस आते हैं आपको बेचना चाहते हैं कि सर आप इंश्योरेंस ले लो, आप इंश्योरेंस ले लो, आप इंश्योरेंस ले लो, कैसे भी करके आप इंश्योरेंस ले लो. एंड जो भी कभी तुमने देखा होगा तुम्हारे घर के बाहर डोर टू डोर आके सेल्समैन आते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट्स बेचने आ रहे हैं, वो एग्रेसिव सेलिंग कर रहे हैं, वो सेलिंग कॉन्सेप्ट चाह रहे हैं कि यार तुम बस खरीद लो, कैसे भी करो बस खरीद लो. उनका सोल पर्पज है सेलिंग सेलिंग सेलिंग. आपका हो गया तो हर कंपनी का होता है, नहीं ज़ारा का बिल्कुल नहीं है. तुम ज़ारा के शोरूम में जाओ, वहां कोई तुम्हें फोर्स नहीं करता कि ये लो, देयर ऑल कूल, जिसको लेना होगा वो अगर आएगा लेके चला जाए. उनके सेल्समैन एफर्ट नहीं मारते कि तुम परचेज करो, वो तुम्हें कन्विंस नहीं करते जैसे तुम्हारे पास के किराने वाला करता है कि नहीं नहीं सर ये चावल लेके जाओ, ये तो बेस्ट क्वालिटी है, नए चावल है, वो नहीं करेगा. सेलिंग कॉन्सेप्ट हर जगह फॉलो नहीं होता, बट प्राइस रेंज की बात आ जाती है, जहां पे प्राइस रेंज कम है एंड जहां पे कस्टमर सेगमेंट इतनी वाइड है कि तुम्हें बेचना ही बेचना है, वहां पे तुम्हें करना पड़ेगा प्रोडक्शन प्रोडक्ट सेलिंग. इसके बाद है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भाई वाइड कॉन्सेप्ट है, वो काफी कुछ कंसिडर करता है, वो देखता है कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, कस्टमर को चाहिए क्या, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन कैसे हो रही है, वो इस सब चीज को कंसिडर करता है कि भाई मेरी बात सुन यार, कस्टमर मेरे मेरे भाई मेरे यार मेरे दोस्त, एक मेरे को छोटी सी बात बता कि तेरे को चाहिए क्या, तेरी नीड्स क्या है, तेरी वांट्स क्या है, उसके हिसाब से मैं तेरे को कस्टमाइज करके चीज दूंगा. वो सेल्समैन जो बहुत आसानी से बहुत तसल्ली से बहुत कायदे से तुम्हारी बात सुन रहा है, तुम्हें समझ रहा है, तुम्हारी नीड्स को समझ रहा है, तुम्हारी वांट्स को समझ रहा है, उनको केटर करने के लिए प्रोडक्ट तुम्हें सजेस्ट कर रहा है, तुम्हारे साथ चल रहा है, तुम्हारी जो भी फाइनेंसिंग की नीड्स है उसको भी केटर कर रहा है, या एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वहां पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लगता है. मार्केटिंग इन इटसेल्फ इज समथिंग जो कस्टमर की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करके चले, ठीक है, और वहां मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यही मतलब करता है. प्रोडक्शन बल्क प्रोडक्शन, प्रोडक्ट प्रीमियम प्रोडक्ट, सेलिंग एग्रेसिव सेलिंग, मार्केटिंग कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स, कस्टमर की वैल्यू. इसके बाद पांचवी चीज आती है सोसाइटल मार्केटिंग. इसको सबसे पहले तो सोशल मार्केटिंग मत ना मार्क्स कर जाते हैं, मैं बता रहा हूँ सोसाइटल मार्केटिंग है तो सोसाइटल मार्केटिंग ही है, इसका नाम मत बदलना. सोसाइटल मार्केटिंग बेसिकली मींस अलोंग विद द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की एक एक्सटेंशन है. हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि एक कंपनी की एक ऑर्गेनाइजेशन की कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ सोशल गोल्स होते हैं, उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना सोसाइटी के टुवर्ड्स. एट द सेम टाइम एक कंपनी जब कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए ये नहीं देखती कि मैं समाज को कितना नुकसान पहुंचा रही हूँ या मैं एनवायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रही हूँ, वो जब नहीं देखती देन इट इज अ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. लेकिन जब मार्केटिंग करते हुए कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को देखते हुए वो सोसाइटी के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, रिसाइकलिंग के बारे में भी सोचने लग जाए, देन इट बिकम्स अ सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. सबसे ईजी है आइडेंटिफाई करना, जब एक कंपनी कुछ भी समाज के लिए अच्छा कर रही है देन इट इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जब वो कस्टमर के बारे में सोच रही है देन इट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जब वो बस अपने बेचने के बारे में सोच रही है देन इट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट, जब वो बस अपने प्रोडक्ट के बारे में सोच रही है देन इट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, और जब वो बस कह रही है कि भैया बना दो देखी जाएगी, बना दो बस बना दो फिर देखी जाएगी जो भी होगा, देन इट इज अ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छे से अपने एग्जांपल विलियम ने सारा कुछ समझा, क्लैरिफाई हो गया. अब प्रोस कौन सबके अपनी जगह है भाई, तुम बल्क में बना दो तुम्हारे प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होगी, तुम कभी अपने आप को लग्जरी या प्रीमियम या एक अच्छी ऑडियंस तक नहीं पहुंचा पाओगे, तुम कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं रह पाओगे, सिर्फ प्रोडक्ट 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 में रह जाओगे तो तुम कभी मासेस तक नहीं पहुंच पाओगे, बट एट द सेम टाइम तुम लग्जरी पोजीशन हो जाओगे. सबके अपने प्रोस कौन से, सेलिंग करोगे तो कस्टमर तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा, मार्केटिंग करोगे तो उसमें सब अच्छा है बट उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा है क्योंकि तुम्हें हर चीज पे एफर्ट मारना है, अपने सेल्समैन इतने अच्छे हो, अपने फ्रंट एंड एग्जीक्यूटिव इतने अच्छे हो, सब कुछ अच्छा हो, बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व है. सोसाइटल मार्केटिंग में और भी ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है, और जब तुम इतना कुछ सोसाइटी के फेवर में करते हो तब तुम्हारे प्रोडक्ट में वो वैल्यू डिलीवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स मांगते हैं
इकोसिस्टम को नुकसान, कुछ केमिकल्स, कुछ ऐसी चीजें जिनमें ऐसी चीजें इन्वॉल्व है, ऐसे प्रोसेसेस इन्वॉल्व है जहां पे तुम सोसाइटी को नुकसान पहुंचाओगे। जितना भी ई वेस्ट है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ई वेस्ट इज द मोस्ट हार्मफुल थिंग फॉर आवर एनवायरनमेंट एट दिस मोमेंट, ठीक है। लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं, वो बन रहे हैं तो वो बन रहे हैं, उसमें अब तुम सोसाइटल मार्केटिंग घुसा ही नहीं सकते। तो दिस इज द थिंग, हर किसी के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ये पांच कॉन्सेप्ट्स एंड केस स्टडी में तुम्हें दिया जाएगा कि ये कंपनी है, ये इस माइंडसेट से, इस अप्रोच से चल रही है, बताओ कौन सी मार्केटिंग फिलॉसफी लग रही है। एज सिंपल एज दैट, बहुत पावर पैक सेशन था, मजा आया मुझे भी पढ़ाने में। लेट्स मूव ऑन। हाँ जी, नाउ वी आर टू आवर मेन टॉपिक, फोर पीज ऑफ मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग मिक्सअप। जिसको कुछ नहीं पता, बड़ी शांति सुनना, बहुत मजेदार टॉपिक है। देखो, हर कंपनी को मार्केटिंग करते हुए जो भी चीजें देखनी होती है, उनमें से कुछ होते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर्स, कुछ होते हैं नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। नॉन कंट्रोलेबल में वही आके बिजनेस एनवायरमेंट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, ठीक है, उनके हिसाब से बस हम एक्शन ले सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। बट इसको नीचे करके इसको अगर देखें, कंट्रोलेबल फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे मेजर फोर पीस। मार्केटिंग मिक्स का क्या मतलब है? देखो, अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स अ फर्म यूजेस टू मेक इट्स मार्केट ऑफर। जो भी मैं मार्केट में लेके जा रहा हूँ, जो भी मैं ऑफर कर रहा हूँ, उसको ऑफर करने के लिए मैं बहुत से टूल्स यूज करूंगा। उनका क्या कॉम्बिनेशन होगा, दैट कॉम्बिनेशन, दैट सेट, दैट मिक्स इज कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स। अब इसके अंदर ना मिक्स वर्ड जहां आ गया वो है डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट। मार्केटिंग मिक्स के चार पॉइंट है, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स एंड प्रोडक्ट मिक्स। मैं भूला नहीं था, मैंने प्रोडक्ट मिक्स को लास्ट पे रखा, जनरली वो सबसे पहले आता है, बट लास्ट पे रखा क्योंकि तुम सोचो, एक कहानी सुनो। पीटर इंग्लैंड ने सोच लिया कि मैं अपनी चीज ना 5,000 रुपए में बेचूंगा, ठीक है, मैं अपनी चीज 5,000 रुपए में बेचूंगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्राइस मिक्स, प्राइसिंग से रिलेटेड डिसीजन ले लिया। पीटर इंग्लैंड ने सोच लिया कि मैं ना यार अपनी जो चीज है वो फैक्ट्री में बनाऊंगा, फिर होलसेल यूनिट्स पे जाएगी वो, फिर रिटेल शोरूम्स पे जाएगी, फिर कस्टमर्स तक पहुंचेगी, एक पूरी चेन डेवलप हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बन गया कि ऐसे ऐसे होगा, एंड मेरे इनिशियल 100 आउटलेट्स इस देश में इस जगह पे होंगी। ये उसने डिसाइड कर लिया, ठीक है, ठीक है, ये भी समझ आ गया, 5,000 रुपए की चीज बेचेगा, यहाँ बेचेगा, ठीक है, ठीक है, समझ। मैं प्रमोट कैसे करूंगा? मैं होर्डिंग्स लगवाऊंगा मेजर मेजर जगह पे, मैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग करवाऊंगा, एंड एट द सेम टाइम मैं अपने टीवी पे एड्स चलवाऊंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब कुछ समझ आ गया। पर बेचोगे क्या? प्रोडक्ट। हाँ, प्रोडक्ट दिखेगा कैसा, प्रोडक्ट लगेगा कैसा, प्रोडक्ट कंफर्टेबल कितना होगा, प्रोडक्ट वैल्यू कितनी देगा, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी होगी, प्रोडक्ट कस्टमर को अपील कैसे करेगा, ये होता है प्रोडक्ट मिक्स। तो चार पीस है हमारे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट में हमारा होगा क्या एग्जैक्टली, हम ऑफर क्या करने वाले, वो देखेगा कैसा, वो लगेगा कैसा, वो वैल्यू क्या देगा और वो होगा क्या, उसके बाद प्राइस यानी कितने का होगा, उसके बाद वो कहां बिकेगा, कैसे कैसे जाएगा एंड उसको प्रमोट कैसे करेंगे। दीज आर द फोर मेजर एलिमेंट्स। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर तीन और चीज आती है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। ब्रांडिंग मतलब वो नाम, वो चीज जो तुम्हें दिख रही है, जिस नाम से वो बिक रही है, जिस नाम से उसकी वैल्यू बन रही है। पैकेजिंग इज लाइक, वो पैक कैसे होगा भाई, अगर दूध है वो पैक कैसे होगा, दैट इज अ वेरी मेजर क्वेश्चन। दूध की टेट्रा पैकिंग अलग होती है, दूध की पैकेट वाली पैकिंग अलग होती है, हर चीज की पैकिंग भी कुछ सर्व करती है। टूथपेस्ट की पैकिंग जो ट्यूब में होती है, अगर वही टूथपेस्ट तुम्हें एक डब्बे में दे दिया जाता है, उसकी वैल्यू खराब नहीं हो जाएगी। डजंट मैटर कितनी मर्जी बड़ी कंपनी, वो कितना मर्जी खुद को हर्बल क्लेम कर ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन यू वुड ऑलवेज गो विद द ट्यूब वाला टूथपेस्ट, क्योंकि वो डब्बी वाला टूथपेस्ट इज दैट कंफर्टेबल, और वो पैकिंग उसका एक मेजर पार्ट है। वहीं अगर मैं आ जाऊं लेबलिंग पे, तो उस चीज के ऊपर जितना अट्रैक्टिव डिजाइन है, जो कुछ लिखा हुआ, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी मेजर रोल। इनके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। पहला होता है प्रोडक्ट मिक्स, जिसके अंदर तीन मेजर डिसीजन होते हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अब जब हमने बात कर दी ब्रांडिंग की, तो ब्रांड बहुत जरूरी होता है। तुम कल को जाके कहीं भी कुछ भी बनते हो, ब्रांड, एक लेबल, एक डिजिग्नेशन बहुत जरूरी होती है। प्रोडक्ट मिक्स को कहते हैं साइड। प्राइस मिक्स, अब प्राइस हम कितना रखें भाई, बहुत सस्ता रखते हैं तो वैल्यू नहीं होगी, बहुत महंगा रखते हैं तो कोई खरीदेगा नहीं, मिडल में रखते हैं तो क्या जो प्रॉफिट आएगा वो सेटिस्फाइंग इनफ होगा। मतलब प्राइसिंग के लिए तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं यार, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, सरकार कितना टैक्स मांगती है, ये बहुत चीजें हैं। प्राइस भी एक बड़ा सोच समझ के रखने वाली चीज है। अच्छा, वो बिकेगा कहाँ पे, जहां वो बिकेगा वहां वो कस्टमर लेने आएगा भी या नहीं आएगा, दैट इज ऑल्सो वेरी मेजर क्वेश्चन। ये अब आता है प्लेस मिक्स पे, ठीक है, एंड एट लास्ट हम लोगों को बताएंगे कैसे दैट पीटर इंग्लैंड एज अ ब्रांड एग्जिस्ट एंड यू नीड टू बाय दिस, यू नीड टू बाय अ टी शर्ट फ्रॉम पीटर इंग्लैंड। लोगों को कैसे बताएंगे दोस्त, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दिस कम्स अंडर प्रमोशन मिक्स। देखो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट है तुम्हें पता है, प्राइस प्राइस है, प्लेस कहां बिक रहा है, प्रमोशन इज हाउ यू आर मेकिंग दैट प्रोडक्ट रीच योर कस्टमर, नॉट इन द फिजिकल वे बट रीच दैट कस्टमर्स माइंड, यार ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है एंड आई नीड टू गो एंड कंसिडर दिस ब्रांड। अब इन चारों चीजों की कुछ डिटेल है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, लेट्स हैव अ लुक
एंड ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा, बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा होने वाला है. एज ऑफ नाउ आई जस्ट से टेक केयर, हैव अ गुड डे, मेक नोट्स, पढ़ो सब जो देखो सीखो. और अगर इन वीडियोस की डिटेल्ड और लेक्चर चाहिए, और अगर इन वीडियोस के और डिटेल्ड लेक्चर चाहिए, सीयूईटी के हिसाब से तैयारी चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए, डाउट सपोर्ट चाहिए, की स्टडी प्रैक्टिस चाहिए, तो गो चेक आउट एडिकैप्टन्स प्रीमियम फ्लैगशिप कोर्स. बहुत कुछ मिलेगा, बहुत शानदार फीचर्स है, एक बार देखो जरूर, बहुत मजा आने वाला है. एंड नेक्स्ट वीडियो में इन चारों चीजों के जो फैक्टर्स हैं उनको बड़े तसल्ली से कंसिडर करते हैं. तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू सो वेरी मच. एंड कुछ भी दिक्कत हो, ध्यान लगाना अपने पास वाली कन्फेक्शनरी, उसके पर्सपेक्टिव चीजें सोचना, बहुत कुछ समझ है. थैंक यू सो मच.